सोशल मीडिया का दौर है और मेटा uh, से बड़ी कौन सी कंपनी है आजकल uh, जो युवा हैं वो तो इंस्टाग्राम पे काफी रहते हैं uh, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ वैसे और uh, ऐसा लगता नहीं है कि मुझे इंस्टाग्राम की जरूरत पड़ेगी लेकिन जो लोग इंस्टाग्राम पर हैं उनके लिए कुछ सूचना है मेरे पास uh, जो मेटा कंपनी है इसने इंस्टाग्राम में जो है कुछ नए फीचर्स जोड़े हैं और इसमें जो है इंस्टाग्राम यूजर्स जो है एक दूसरे के साथ लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं साथ ही चैट को और अधिक पहचाना जाने योग्य बनाने के लिए एक दूसरे को निक भी दे सकते हैं आ, इसके अलावा कंपनी ने 17 नए स्टिकर पैक भी जोड़े हैं जिनमें कि 300 से अधिक नए स्टिकर शामिल हैं जिन्हें है अपडेटेड डीएम स्टिकर ट्रे के माध्यम से एक्सेस आप कर सकते हैं ये फीचर्स जो हैं वर्तमान में इंस्टाग्राम एप्स के लिए एंड्रॉयड और आई पर रोल आउट हो रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी व्यापक रूप से उपलब्ध होंगे नए अपडेट के साथ इंस्टाग्राम यूजर्स अपनी लाइव लोकेशन पिन की गई लोकेशन या सर्च से लोकेशन को चैट में शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम ने कहा है कि लाइव लोकेशन केवल डायरेक्ट मैसेज में प्राइवेट रूप से शेयर की जा सकती है चाहे वो वन ऑन वन बातचीत हो या ग्रुप चैट लाइव लोकेशन एक घंटे के बाद स्वचालित रूप से समाप्त हो जाती है और इसे अन्य चैट्स में फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है इसके अतिरिक्त जो है जो यूजर अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर रहे हैं वो इसे कभी रोक भी सकते हैं है ना तो लाइव लोकेशन शेयर करने के लिए बातचीत के जो निचले हिस्से में जो है प्लस का बटन दिया रहेगा वहां पर आपको टैप करना होगा और लोकेशन विकल्प पर टैप करना होगा फिर मेन्यू के निचले हिस्से में शेयर और लोकेशन का विकल्प चुनना होगा आपके लोकेशन चैट में एक संदेश के रूप में शेयर हो जाएगी और अपने संदेश के नीचे व्यू लोकेशन पर टैप करके आप अपनी लाइव लोकेशन और शेष समय का जो है बड़ा मानचित्र देख सकते हैं और अपनी लोकेशन शेयर करना रोकने के लिए स्टॉप शेयरिंग लोकेशन पर टैप कर सकते हैं पिन की गई लोकेशन या सर्च से लोकेशन शेयर करने के लिए जो है लोकेशन मेन्यू से ड्रॉप पिन या फाइंड प्लेस विकल्प को आप चुन सकते हैं तो इंस्टाग्राम यूज़र्स अपने दोस्तों के नामों को डीएम में कस्टमाइज़ कर सकते हैं कंपनी ने कहा है कि इस फीचर को यूज़ करने करके लोग लंबे यूज़र नेम्स को सरल बना सकते हैं और दोस्तों के साथ चैट्स को आसानी से पहचान सकते हैं तो यह आपके डीएम चैट्स में दिखाई पड़ेंगे इंस्टाग्राम पर नहीं यूज़र्स अपने लिए भी निक बना सकते हैं और तय कर सकते हैं कि चैट्स में कौन उनको कौन उनका निक बदल सकता है तो निक नेम बनाने के लिए जो है आपको बातचीत के जो शीर्ष पर चैट नाम पर आपको टैप करना होगा और वहां पर निक नेम्स पर आपको टैप करके और उस व्यक्ति के यूज़र नेम का चयन करें जिसे आप निक नेम देना चाहते हैं है ना तो ये जो है इंस्टाग्राम के नए सत्रह स्टिकर पैक भी जोड़े गए हैं जिसमें कि तीन से अधिक स्टिकर शामिल हैं जिन्हें डीएम चैट्स पर साझा कर सकते हैं कंपनी ने यह भी कहा है कि यूजर्स अपने पसंदीदा स्टिकर को डीएम चैट्स के से पसंदीदा बना सकते हैं जिससे वो भविष्य में से फिर से इस्तेमाल कर कर सकते हैं